एक्सीडेंट में हाथ पैर खो दिए लेकिन हार नहीं मानी। आज मुंह से पेंटिंग बनाता है 9 साल का बच्चा। इस बच्चे के हौसले के लिए एक लाइक तो बनता ही है। कई हादसे इंसान को बुरी तरह झकझोर कर रख देते हैं। यही वजह है कि लोगों के जिंदगी जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। आज जहां कुछ लोग निराश हो जाते हैं तो वहीं कुछ इन मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं और सामना करने से हिचकिचाते भी नहीं है। ऐसी ही मिसाल एक 9 साल की छोटी सी बच्ची ने पेश की है। इस हादसे में अपने दोनों हाथ और पैर गंवा चुके मधु कुमार आज अपने जज्बे से सभी का प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। मधु तेलंगाना के मेडक जिले की निवासी हैं। अब उनकी कहानी लोगों के दिलों को छू रही है। हाथ और पैर गंवाने के बाद हार नहीं मानी बल्कि कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी दुनिया कायल हो गई। मधु अपने मुंह से पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर शानदार पेंटिंग बनाती है। मधु ने बताया कि मैं 6 कक्षा में हूं और मैं खुश हूं। पिछले साल हुए एक्सीडेंट के बाद अब मैं पेंटिंग करना सीख गया हूं। मैंने उम्मीद खो दी थी और इसमें कई लोगों ने मेरी मदद की। अब मैं कई लोगों के लिए प्रेरणा का जरिया बन गया हूं। मधु के हादसा, ये भयानक हादसा तब घटा जब वो पिछले साल 15 सितंबर को अपने घर की छत पर खेल रहे थे। तब एक लोहे के रॉड पावर लाइन के संपर्क में आकर मधु से टकरा गई जिससे मधु को अपने अंग खोने पड़े। इस दर्दनाक हादसे के बाद एक कलाकार समुद्रा हर्षा ने मधु को मुंह के इस्तेमाल से पेंट करना सिखाया। इस नन्ही से उम्र में अपने शरीर के अंगों को खोने के बाद भी मधु ने दिखा दिया कि चाहे कोई भी मुसीबत उनके आड़े आ जाए लेकिन वो उससे पार कर ही लेंगे। अब मधु अपनी कला के जरिए कई बड़े फिल्मी सितारों का ध्यान भी अपनी ओर खींच रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोनू सूद का एक स्केच बनाया था जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। सोनू ने भी अपने इंस्टाग्राम पर मधु के वीडियो को शेयर किया था। वीडियो शेयर करते हुए सोनू सूद ने मधु से जल्द मिलने की बात कही। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।